और देखना है कि आज की क्लास के अंदर हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो खुद से ठीक है सारे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे यस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या है इंपॉर्टेंट टाइप हाँ है ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं बार बार एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है जैसे फाइव है इसकी जगह पे आपके पास एग्जाम में कोई और नंबर हो सकता है ठीक है जो पावर्स गिवन है वो पावर्स भी डिफरेंट हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जगह पे एक्स दे रखा हो आपको ठीक है सो हमने मेथड समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या है जो भी अपने पास फर्स्ट नंबर है ठीक है अब ये देखो सबसे छोटा

ऑलवेज रिमेंबर uh, की इफ एनी नंबर है पावर जीरो दिस इज ट्वेंटी फाइव एंड दिस इज वन ट्वेंटी फाइव ओके सो टोटल वैल्यू यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई है ये हो गया वन फिफ्टी एंड दिस इज वन फिफ्टी सिक्स That means this is 5 raised to power 17, and you can write 156. 156. 156 को हम क्या लिख सकते 12 into 13. Okay? तो हमारा जो नंबर है ये आ गया अब देखो ये डिविजिबल है अब देखो 5 से है ठीक है five इसमें नहीं है पहले जो इसमें है उनको चेक करो seven से डिविजिबल है नहीं है 9 से डिविजिबल है नहीं है 11 से डिविजिबल है नहीं है 13 से डिविजिबल है ऑबवियसली इफ वन फैक्टर इज 13 दैट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 13 सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 13 ओके okay, क्लियर है सभी को हाँ जी बिल्कुल कोई डाउट इसके अंदर अगर इस तरह का को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कर लेंगे अब देखिए जब आप सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है क्वालीफाइंग है हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं क्वांट को बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है ठीक है ना क्योंकि क्वालिफाइंग तो है ना अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए इन दैट केस फिर क्या करेंगे ठीक है ना तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे थोड़ा फोकस जरूर करना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस ठीक है तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे यस yes, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अपने आरे पास में फाइव डिजिट नंबर अब यहाँ पे आप देख सकते हो किन है, है आपके पास में वेरिए

दैट मीनस कि इसका जो सम है वो टेन से अगर हम अब मल्टीपल देखते हैं थ्री का तो क्या होता है कि ये वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि टेन से अगर हम देखते हैं तो ट्वेल्व तो हो सकता है या फिफ्टीन हो सकता है ओके okay? यस yes. तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी या तो टू होगी या फिर x प्लस वैल्यू की वैल्यू क्या होगी फाइव की फाइव होगी क्लियर अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है कि कितने पॉसिबल पेयर है पॉसिबल पेयर देखने आपको, ठीक? अब जब मैंने टू देखना है तो टू के लिए क्या वैल्यूज हो सकते हैं हाँ जी टू के लिए वैल्यूज क्या हो सकती हैं टू के लिए वैल्यूज क्या हो सकते हैं है? आपके पास में वन वन अगर मैं कहती दिस इज एक्स दिस इज वाई तो क्या वैल्यू आएगी वन वन ठीक है ठीक है और टू के लिए टू जीरो भी हम कर सकते हैं जीरो टू कर सकते हैं हाँ जी बताइए जीरो टू हो सकता है एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए आप जीरो टू हो सकता है अगर जीरो टू कर देंगे तो नंबर फाइव डिजिट का रहेगा एक बार आप सोचो कि अगर मैं यहां पे इसकी जगह पे जीरो टू, टू टू थ्री फाइव कर दूंगी तो उस केस में क्या होगा

ओके okay? हां जी दिखाई नहीं दे रहा एक सेकेंड अभी विजिबल है अब देखो क्या हो गया आपके पास में फाइव जीरो टोटल पॉसिबल पेयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन दैट मीन सेवन विल बी द करेक्ट आंसर ओके क्लियर है यस सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या अगेन 2020 का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपकी वैल्यू बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं अब ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है हाँ जी ये किस पे बेस्ड है नंबर फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अभी सभी क्वेश्चन से हमने क्या कंक्लूजन निकालना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो वाले टाइप क्लियर करने तो ये जो क्वेश्चन है नंबर फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है नंबर फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है मींस व्हाट कि जो नंबर है वो कैसे फॉर्म हो रहा है जैसे अब एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की जगह पे मान लीजिए मेरे पास में कोई नंबर है टू थ्री फोर अब मुझे विजिबल क्या है टू थ्री फोर फॉर एग्जांपल ये मैं कह रही हूँ कि ये एक्स वाई जेड है इसकी जगह है पे मैंने टू ले लिया बट एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ द नंबर इज व्हाट दिस इज टू हंड्रेड प्लस एक्चुअल फॉर्मेशन तो ये है दैट मींस व्हाट कि

ओके नाउ गिवन दैट कि x प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय हाँ जी क्या पूछा गया आपसे नॉट डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है सभी का सम करना है आप देखो x y z को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो दिस इज हंड्रेड एक्स प्लस ओके आगे क्या लिखा है आपके पास प्लस

Is divisible by 37. इनसे सभी सभी से है. That means किस से नहीं है. से नहीं है. है नहीं नहीं. जी समझ आ रहा है सभी को. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो देखो कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड थे कि मैडम प्रैक्टिस सेशन आप लेके आओ ठीक है ना तो मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और अभी बेनसडे से मीन फोर्थ ऑफ अगस्त से हम डेली लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं मैं डेली लाइव आप लोगों के साथ में आ रही हूँ बट इसके अंदर आप लोगों को लाइव रहना है मेरे साथ ठीक है जी 1130 पे 1130 पे आधे घंटे क्लास मैं ये नहीं कहती तो मुझे पता है कि जी किसी ने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ठीक है ना हमें भी तैयार करना है और ऑब्वियसली क्वालिफाइंग है तो आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग ज्यादातर स्टूडेंट्स की मैंटेलिटी तो यही होती है कि हाँ जी मैंने मैं ये तो मेरा हो जाएगा बट ये ना मान के चलो आपके हाँ जी हो जाएगा ठीक है ना वो पंजाबी में कहते होजू हो करने से कुछ नहीं होना ठीक है ना तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये लगा लो कि हाँ जी एक घंटा तो दो कम से कम आप सी सेट को ठीक है तो बजे सभी ने लाइव रहना है वेनस से फोर्थ अगस्त से साढ़े ग्यारह बजे प्रैक्टिस सेशन लेके आ रही हूँ सारे क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगी जो फ्रीक्वेंटली आते हैं ठीक है ना और हरेक क्वेश्चन के साथ में उसका कंसेप्ट में आपको बता रही हूँ सो दैट की आपका ना ये मान के चलो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सी सेट के अंदर आप देख आपने प्रीवियस ईयर भी देखा होगा तो क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं है बट लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना मीन्स की कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करेंगे ओके okay? तो अभी ये क्लियर है सभी को डन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं टाइम याद रखना है सभी को हाँ जी फोर्थ uh, अगस्त से साढ़े ग्यारह बजे ठीक है प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं हम सी सेट के लिए डन यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो कंसीडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 999 नाइन नाइन एबीसी इज इक्वल टू डी ई ठीक है इन द डेसिमल नोटेशन वेयर ए आर डिजिट्स बट आर द वैल्यूज ऑफ ए रेस्पेक्टिवली ए की वैल्यूज क्या होंगे अब देखो अगर डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती हैं, तो आप कर लेते यहाँ पे बट वेरिएबल्स आ गए ठीक है वेरिएबल्स आ गए क्या ए बी सी डी ई एफ तो उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी तो अब देखो अगर हम 999 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हाँ जी कैसे करेंगे तो अभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना क्या है नंबर 999 नाइन नाइन इंटू ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोई डाउट इसके अंदर नहीं दैट मीन वन थाउजेंड इन टू ए बी सी आंसर आ जाएगा ठीक है तो अगर हम वन थाउजेंड के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी ये वैल्यू आएगी इसके अंदर से माइनस करना है हमने किसको ए को ठीक है तो अब यहाँ पे आपके पास आंसर क्या गिवन है डी ई एफ वन थ्री डी ई एफ वन थ्री टू हाँ जी क्लियर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब देखो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मुझे जीरो से सी माइनस करना है टू लेना है दैट मीन्स वट कि यहाँ से अगर टेन से मैं सी क्या माइनस करूँ कि मेरे पास टू आ जाए ऑब्वियसली अगर मैं एट माइनस करूंगी तभी टू आएगा सेम वे या रह गया नाइन नाइन से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरे पास थ्री आ जाए सिक्स माइनस करेंगे तभी थ्री आएगा ठीक है अब मैं नाइन से क्या माइनस करूं कि मेरे पास में वन आ जाए? जाएसली एट माइनस करेंगे तभी आएगा ठीक है अब हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई पे हम पुट कर देंगे ठीक। अब देखो यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई सी सेवन ठीक है सिक्स एंड एट ओके तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई ए बी सी की वैल्यू एट सिक्स एट एट सिक्स सो दिस डी करेक्ट आंसर क्लियर है कोई कोई इसके अंदर बिल्कुल है इस तरह के क्वेश्चन काफी बार आते हैं देखो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था उसके अंदर इस तरह से सिम्बल्स बने हुए थे वन टू ऐसे ठीक है प्लस थ्री इस तरह से कुछ सिंबल्स बने हुए थे ठीक है ना तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्जाम के अंदर तो ये जो टाइप है इसको भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप रिमाइंडर थियोर यूज हो रही है क्या है क्वेश्चन सपोज द रिमेंडर ऑफ टेंट वाई डिवाइडिंग एक्स बाई स अगर मैं x एक है उसको मैं सिक्सटी वन से अगर डिवाइड करूं देन आई विल गेट द रिमाइंडर एज टू देन वट इज द रिमाइंडर ऑफ टेंट

क्या करोगे कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसको सिक्स से डिवाइड करेंगे उसके बाद में रिमाइंडर चेक करेंगे ऐसा नहीं करना है ठीक है अब एक्सप्रेशन अगर यहीं पे ही थोड़ा सा और बड़ा हो जाता फिर क्या करते हाँ जी दिस डिवाइडेड बाय सिक्स नाउ टेल मी द रिमाइंडर अब क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे नहीं ठीक है ना तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी आपके पास में एक्सप्रेशन गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ठीक है तो इन दैट केस यू कैन टेक ओनली द रिमाइंडर फॉर द सिंगल पार्ट ओके एंड यू कैन मल्टीप्लाई दो रिमाइंडर एंड फर्दर यूज द सेम मेथड हाउ देखिए अब यहां से अगर मैं सिक्स से लेती हूँ छह सात बयालीस ठीक है क्या बच गया रिमाइंडर फाइव बच गया I will take this remainder. अगर, इसी 52 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ ठीक है तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में फोर बच गया आठ छर अब बात आती है कि जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मेरे पास में एक तरह से नंबर क्या बच गया मीन्स what? इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर सेम होगा इस बात को आप माइंड में फिट कर लीजिए कि अगर हम सिर्फ रिमाइंडर उला लेते हैं सिंगल सिंगल नंबर का तो उसका अगर हम फर्दर यूज करते हैं तो दोनों का रिमाइंडर सेम रहेगा ठीक है यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 6 6 3 दैट मींस कि यहां पे जो आपके पास रिमाइंडर है वो कितना बच गया 2 बच गया डन क्लियर इसी तरह से एक बात और ध्यान रखो अभी यहाँ पे तो अपने पास छोटा सा नंबर था फोर फाइव को भी हमने इजीली कर लिया कई बार क्या होता है कि नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है इन दैट केस क्या करते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं सो दैट हमारी कम हो जाए जैसे अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक बार नेगेटिव रिमाइंडर से बताती हूँ आपको देखो क्या है दिस इज फोर्टी सेवन इंटू फिफ्टी टू डिड बाई सिक्स ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं देखू तो अगर हम रिमाइंडर देखते हैं तो क्या बचता है फाइव बचता है

क्लियर अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो गया आपके पास में यहाँ से अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर देखती हूँ तो मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा टू नेगेटिव रिमाइंडर है इसलिए आई विल टेक माइनस इन फ्रंट ऑफ द नंबर ओके तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस वन इन टू माइनस टू डेट मीन टू टू अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर

किसी भी नंबर को 10 से, डिवाइड कर रहा से डिवाइड करना है हंड्रेड से डिवाइड करना है कई बार ये भी आ जाता है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद पूरे एक्सप्रेशन की लास्ट टू डिजिट क्या होंगी टू डिजिट क्या होगी दैट मींस की हमने हंड्रेड से डिवाइड करना है सिंपल सी बात है ओके यस यस हम ये क्वेश्चन कर रहे थे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे अभी देखो क्या है Suppose the remainder obtained while dividing x by 61 is 2. Then what is the remainder obtained while dividing x raised to power 7 by 61? X raised to power 7 को मैंने 61 से डिवाइड कर That means what? वैसे तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ही हो गया आपके पास में बट फिर भी एक बार समझाने के लिए मैं बता देती हूँ 61 को x को 61 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 2 टू क्यों बचेगा क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे क्या बचेगा? गया टू टू सभी का टू टू बचेगा दैट मींस व्हाट वी कैन राइट 2 रे टू पावर 7 बाय 61 ठीक है लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे <coughs> 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ जाएगा क्लियर 2 से चला जाएगा ना 61 तो क्या आ जाएगा 122 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास सिक्स बच जाएगा सो सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर ओके यस आई होप सभी को क्लियर है अब देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इजी है हमें आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है देन वेल एंड गुड प्रैक्टिस सेशन सभी ने ज्वाइन करना वेडनेसडे से शुरू हो रहा है 11:30 बजे ओके अब देखिए अगर आपको नंबर सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैं नंबर सिस्टम के लिए क्यों कह रही हूं क्योंकि नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं अभी पीडी आप लोगों के लिए ना एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम लेके आया है जिसके अंदर हां जी जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो आप पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर सकते हो ठीक है ना

और फोकस करना है ओके इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ जी इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे नंबर सिस्टम पे अभी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस की जरूरत है या आपको लगता है कि मेरा कंसेप्ट कुछ है जो कि क्लियर नहीं है तो उस केस के अंदर आप सिर्फ माइक्रो कोर्सेज के अंदर जा सकते हो ठीक है पे गए माइक्रो कोर्सेज फॉर मैथ एंड मेंटल एबिलिटी एंड हेयर यू कैन सी ऑल द टॉपिक्स ओके अब यहां से आपने क्या करना है सिर्फ नंबर सिस्टम पे जाना है नंबर सिस्टम पे आप चले गए अब नंबर सिस्टम अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो देखिए क्या है सेवन वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल स्टडी नोट्स आर अवेलेबल एंड 496 एमसीक्यू आर अवेलेबल ओके नाउ इट्स अप टू यू कि मुझे सिर्फ एमसीक्यू चाहिए मुझे सिर्फ स्टडी नोट्स ही चाहिए या फिर मुझे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है उसके बाद तो मैं कर लूंगी ठीक है तो मुझे लेक्चर चाहिए तो आपको जो चाहिए उसको रखो जो मुझे नहीं चाहिए उसको आप क्या करेंगे अनटिक कर देंगे ठीक है जैसे ही हम यहां से अनटिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो प्राइस है उसका कम हो जाएगा क्लियर हाँ जी उसके बाद क्या करना है आपने बाय कर लेना है एट टू कार्ट कर लेना है टू कार्ट करके बाई कर सकते हो आप डायरेक्ट भी बाई कर सकते हो देन यू कैन टेक इट ओके, okay. सभी को क्लियर है है। कि नंबर 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 सिस्टम सिस्टम हमने कैसे प्रिपेयर करना तो ऐसे अच्छे से आप तैयार क्योंकि इतना ही करेंगे बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करिएगा सो नोटिफिकेशन आपको क्लास का आ जाए और वेनसडे uh, से साढ़े ग्यारह बजे प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है सभी ने लाइव क्लास में होना है ओके okay? लाइव में जब आप रहते हैं तो उसके अंदर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्लास में ही आप मैक्सिमम डाउट्स अपने क्लियर कर लोगे ओके सो क्लास इज थैंक यू सो मच